मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश यादव रिप्रेजेंटिंग सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा. वी आर डिस्कसिंग क्लास 10th रिलेटेड चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. हियर वी आर डूइंग सेकेंड क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सरसाइज 5.2 ऑफ NCERT. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. हियर द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4, and so on is, we have to choose the correct option from this. हमको इसमें से correct option choose करना है. 30th term निकालनी है. तो जैसा कि आपको पता है इस arithmetic series में a की value 10 है, ये justification लिख रहा हूँ मैं, और d की value 7 - 10 that is equal to -3. तो जब हम a 30 निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे a प्लस 29d. तो जब a प्लस 29d मीन्स a की वैल्यू 10 है, प्लस जब यहाँ 30 लिखा होता है तो हमको इससे एक कम टर्म यहाँ पर लिखनी होती है, a प्लस n - 1 × d फॉर्मूला है इसका. तो इसलिए यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं. d की वैल्यू के साथ में 29 का इंटू है, तो 29 × -3. यहाँ हमने जो फार्मूला यूज़ किया a n का फार्मूला, a प्लस n - 1 × d है, ये मैं आपको बता चुका हूँ. nth टर्म मतलब हमको 30th टर्म निकालनी है, तो 30 - 1 कितना होता है 29. ये 29 हमने यूज़ किया यहाँ पर, और a और d की वैल्यू इसमें पुट कर दी. तो जब ये 30 को हम कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू आती है 10 - 3 × 27, क्योंकि ये प्लस और माइनस का इंटू हुआ तो यहाँ माइनस आएगा. 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 8, 3 × 2 = 6 × 8, दैट इज 10 - 87 विच विल बी -77. तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. सो आंसर इज सी. मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें 30th टर्म पूछी थी हमसे, तो हमने सबसे पहले a की वैल्यू लिखी जो कि 10 है, d निकाला, 7 में से 10 माइनस किया तो -3 आया, 4 में से भी 7 माइनस करते तो -3 आता. अब a 30, तो a n का फॉर्मूला a प्लस n - 1 × d होता है, तो इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया, a प्लस 30 - 1 मीन्स 29 d इज इक्वल टू 10 प्लस यहाँ 29, और फिर d की वैल्यू -3. a की वैल्यू 10 रख दी यहाँ पर और d की वैल्यू -3 रख दी इस फॉर्मूले में. तो ये हो जाएगा a 30 की वैल्यू 10, ये 10 था, प्लस और माइनस का इंटू हुआ माइनस हुआ, 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6 × 8, 10 - 87 इज -77. तो ये -77 हमारा सी ऑप्शन है. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. इसके बाद में 11th टर्म AP की पूछी है, ये जस्टिफिकेशन था इस क्वेश्चन का. आप चाहें तो ये सॉल्यूशन में इसको मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर बोला भी था कि जस्टिफाइड, जस्टिफाइड मीन्स वी हैव टू फाइंड इट आउट इन अ प्रॉपर मैनर, वो हमको निकाल करके पूरा कैलकुलेट करके बताना है, तो ये जस्टिफिकेशन हो गया. इसके बाद में इस वाले क्वेश्चन में हमको साफ पता चलता है कि a की वैल्यू जो है वो -3 है, और d जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे -0.5 - -3 मीन्स सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं तो क्या निकल जाता है, कॉमन डिफरेंस निकल जाता है. तो जब ये कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ -1 है, ये प्लस, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है, मीन्स अगर 2 LCM लेंगे तो 2 के टेबल में 2 तो 1 टाइम्स में आएगा, तो -1 एज इट इज़ आया, 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स में आएगा, तो 2 × 3 = 6. तो यहाँ 6 में से 1 माइनस करेंगे, दैट विल बी 5/2. तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 5/2 हो गया. अब हमको यहाँ पर 11th टर्म निकालनी है. 11th टर्म मतलब a11 लिखेंगे, तो a11 को हम a प्लस 10d लिखेंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया. यहाँ हमने a प्लस 29d लिखा क्योंकि यहाँ पर 30 लिखा हुआ था, यहाँ 11 लिखा है तो a प्लस 10d लिखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली. तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे -3 प्लस 10 के साथ में इंटू में हम क्या लिखेंगे, ये कॉमन डिफरेंस 5/2, कॉमन डिफरेंस हमारा 5/2 आया था,
तो ये 2 5 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको पता चला कि -3 + 25 हो गया। तो 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सी। सो आंसर इज सॉरी बी, आंसर इज बी, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ये हम यहाँ पर बी पर टिक कर देंगे। यहाँ आंसर बी आया, इस वाले में आंसर सी आया था। ये सेम फार्मूला यूज हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर भी फार्मूला मेंशन कर सकते हैं, An = A+(n-1)×D। ये फार्मूला हमने यूज किया यहाँ पर। दीज टू क्वेश्चंस आर ओवर। नाउ स्टूडेंट्स आवर थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। हमको ये बॉक्स के अंदर जो टर्म मिस हो गई है इसमें से, उस टर्म को कैलकुलेट करके बताना है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमको साफ पता चलता है A की वैल्यू 2 है और ये थर्ड टर्म है, तो यहाँ हम लिखेंगे A3। A3 को हम A+2D लिखेंगे। A+2D मीन्स A की वैल्यू, A3 हमको 26 दे रखी है तो ये 26 लिखेंगे हम यहाँ। A की वैल्यू 2 लिखेंगे प्लस 2D। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि 26 को में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 2D के इक्वल होगा, क्योंकि ये 2 हम RHS से LHS में शिफ्ट करेंगे, देन इट विल बिकम -2। सो 26 - 2 इज 24। 24 = 2D मीन्स D = 12। 24 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर D की वैल्यू आ गई 12। ये D की वैल्यू आ जाने के बाद में हमको सेकेंड टर्म लिखनी है, तो सेकेंड टर्म मतलब A2, क्योंकि ये मिसिंग है तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A+D। A+D मीन्स 2 + 12। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 14। A+D मीन्स यहाँ पर 14 होगा। 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, चेक कर लीजिए आपका आंसर, 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 12 आया, 26 में से 14 सब्ट्रैक्ट किया तो फिर वापस 12 आ जाएगा। मतलब हमने जो कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल प्रॉपर है। तो ये 82 हमने कैलकुलेट कर लिया इसमें। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमको सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी थी। इसी टाइप से यहाँ पर A तो हमको दिया नहीं है, लेकिन हमको A2 दिया है, तो A2 को हम लिखेंगे 13। फिर A2 के लिए हम A+D लिखेंगे = 13। और हमको क्या दे रखा है, 1 2 3 4, मतलब A4 भी दे रखा है हमको, वो कितना दिया है 3। A4 मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, A+3D = 3। अब हम इनको इक्वेशंस नाम दे देंगे, फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्या कर सकते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो A+3D = 3 है हमारे पास, और A+D = 13 है। आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ हम A3 लिखते हैं तो यहाँ 2 लिखते हैं, ऐसे ही यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ 1 लिखते हैं, 1 मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी टाइप से यहाँ पर A2 है तो A+1D लिखेंगे, A4 है तो A+3D लिखेंगे, और = में जो वैल्यू है वो लिख देंगे। तो यहाँ सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट इक्वेशन को हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये माइनस के साइन लग जाएंगे, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 3D में से D जाएंगे तो 2D आएगा, 2D = -10, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस लगा हुआ है। एक जगह प्लस एक जगह माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़ी डिजिट के आगे वाला साइन लगा देते हैं। यहाँ चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे इसको, तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ D की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो -5 हो जाएगी। जब D की वैल्यू -5 आएगी तो हम इसमें से किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू रखेंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऑन पुटिंग इन फर्स्ट, हमने इसको फर्स्ट में पुट किया तो A - D = 13 आया, तो A की वैल्यू यहां से 13 + 5 हो गई तो वो 18 हो गया, मतलब ये फर्स्ट टर्म निकल गई, तो यहां हम 18 लिख देंगे। ये हमारा एक आंसर हुआ। फिर हमको कौन सी टर्म चाहिए, 1 2 3 थर्ड टर्म चाहिए, तो इसको हम थर्ड टर्म को यहाँ पर लिखेंगे A3 = ये हमको कैलकुलेट करना है, तो A3 = how much, A+2D
जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ ए थ्री था तो ए प्लस टू डी लिखा, यहाँ ए टू था तो ए प्लस डी लिखा, यहाँ ए टू था तो ए प्लस डी लिखा, यहाँ ए फोर था तो ए प्लस थ्री डी लिखा, मतलब जो यहाँ होता है उससे कम यहाँ पर लिखते हैं। तो इस वाले में भी हमने ऐसे ही किया, यहाँ थ्री लिखा हुआ था तो ए प्लस टू डी लिखा। अब यहाँ पर हम ए थ्री कैलकुलेट करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 18, तो ये 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -10 है, डी की वैल्यू -5 है। तो ए थ्री की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 18 -10 हो जाएगी, मीन्स ए थ्री हमारा 8 आ जाएगा। तो ये ए थ्री और ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ए 18 कैलकुलेट किया और ए थ्री 8, तो यहाँ 8। अब हमको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो देखते हैं। 13 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया तो -5 आएगा, 8 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया तो -5 आएगा, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो -5 आएगा, मतलब हमारा आंसर सही है क्योंकि डी हमने -5 कैलकुलेट करके इस पूरी सीरीज को फॉर्म किया। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास दो मिसिंग टर्म है सेकेंड और थर्ड। आपको कौन कौन सी टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को ए बताते हैं, ए इज इक्वल टू 5 लिख देंगे। आफ्टर दैट वी विल हैव टू राइट द फोर्थ टर्म विच इज असाइंड एज ए फोर इज इक्वल टू 9 इंटीजर 1/2। अब ये चूंकि ए फोर है तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 2 9 18 प्लस 1 19 अपॉन 2। तो यहाँ से ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19 अपॉन 2। तो 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 अपॉन 2 माइनस 5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो d 3d इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, यहाँ LCM लिया हमने तो 1 और 2 का LCM 2 होगा, जब 2 हम LCM लेंगे तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आएगा तो 1 इंटू 19 19 होता है, माइनस 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स में आएगा तो 2 5 इज 10 हो जाएगा। अब 3d इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास आएगा 9 अपॉन 2। अब इस 3 को नीचे ले जाएंगे तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 अपॉन 2 इंटू 3, ये अपॉन में आ जाएगा ये 3, तो 3 जा 9, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/2। अब हम ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको ये दोनों कैलकुलेट करनी थी, तो ये सेकेंड टर्म है, ये ए टू कैलकुलेट करना मतलब ए प्लस डी। अब हमारे पास ए की वैल्यू ऑलरेडी है और डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ए और डी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, मीन्स 5 प्लस 3/2, यहाँ कुछ नहीं है मीन्स अपॉन में 1 है, यहाँ 2 LCM लेंगे तो 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स में आएगा, 2 5 इज 10 प्लस 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आएगा तो 3, तो ये वैल्यू 13 अपॉन 2 हो जाएगी, सेकेंड टर्म हमारी 13 अपॉन 2 आई, ये हमारी सेकेंड टर्म है 13 अपॉन 2। इसी टाइप से ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं अपन, ये वैल्यू 13 अपॉन 2 हो जाएगी, ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हमको ए थ्री की जरूरत है, तो ए थ्री में हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d मीन्स ये 2 था तो 1d लिखा, ये 3 है तो 2d लिखेंगे, तो ए प्लस 2d, ए की वैल्यू 5 है प्लस 2 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए d हमने कैलकुलेट किया था 3/2, तो d की वैल्यू 3/2 रखी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया 5 प्लस 3, ये वैल्यू हमारी हो गई 8, तो इस वैल्यू को हम 8 लिखेंगे। तो ये सीरीज बन गई हमारी 5, 13/2, 8, 9 इंटीजर 1/2। 13/2 को आप अगर चाहें तो और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 13 अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 12 हो जाता है, यहाँ 1 बचता है, तो 6 इंटीजर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इस आंसर को 6 इंटीजर 1/2 भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, दोनों में से कुछ भी आंसर चलेगा, तो ये 6 इंटीजर 1/2। तो जैसा कि पता चलता है 3/2 मतलब 1 इंटीजर 1/2 होता है, तो 6 इंटीजर 1/2 में से 5 गया तो 1 इंटीजर 1/2 ही बचता है,
फिर 8 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 1 इंटीजर 1 अपॉन 2 बचेगा, फिर 9 इंटीजर 1 बाय 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर 1 इंटीजर 1 अपॉन 2 बचेगा। मतलब हर केस में हमारा D जो है वो 1 इंटीजर 1 अपॉन 2 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। ये हम चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से आंसर को, ये दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए 8 और 8 की। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4th देखिए, यहाँ पर हमारे पास 4th क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे रखी है और 1, 2, 3, 4, 5, 6th टर्म दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म को हम -4 लिखेंगे, सिक्स्थ टर्म 6 दे रखी है तो a6 = 6। अब आप ध्यान से देखिए एक बार फिर से, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो सिक्स्थ टर्म हमको 6 दे रखी है इसमें, तो a6 = 6 लिखा, मतलब a+5d = 6। a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो -4 + 5d = 6, तो 5d = आएगा 6 + 4, तो d = हो जाएगा 10/5, तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 हो गया। अब हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, ये d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने 2, जब d की वैल्यू 2 कैलकुलेट हो गई है तो अब हम a2, a3, a4, a5 ये चारों वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हम a2 को क्या लिखेंगे, a2 = a+d, a+d मीन्स -4 + 2, -4 + 2 = -2, तो ये वैल्यू -2 हो गई। इसी टाइप से हम a3 लिखेंगे, तो a3 लिखेंगे तो a+2d लिखेंगे, a+2d लिखेंगे मीन्स व्हाट, d की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू -4 है, तो यहाँ -4 तो एज इट इज लिखेंगे, +2 में इस 2 का इंटू हुआ तो 4 हो गया, -4 + 4 कितना होता है 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही a4 लिखेंगे तो a4 a+3d होगा, a+3d मीन्स -4 + 3 का d में इंटू करेंगे, मतलब 3 में 2 का इंटू हुआ तो 6 आएगा, तो ये 2 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और फिर a5 कैलकुलेट करेंगे तो वो a+4d होगा, a+4d मीन्स -4 + 4 का 2 में इंटू करेंगे तो 8 आएगा, 8 में से 4 गए तो 4 बचेगा, तो ये फिफ्थ टर्म 4 कैलकुलेट हो जाएगी। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो -2 + 4 हो जाएगा, -2 + 4 मतलब 2 आएगा, 0 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करा तो 0 - -+ 0 + 2 तो फिर 2 आया, 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करा तो फिर 2 आया, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा तो फिर 2 आया, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा तो फिर 2 आया, मतलब हमारे सारे आंसर्स ये वाले करेक्ट हैं। तो हमने यहाँ पर जो मिसिंग टर्म्स थी उनको कैलकुलेट भी किया, और मिसिंग टर्म्स कैलकुलेट करने के साथ में हमने उन आंसर्स को चेक भी किया, और हर बार फार्मूला जो लगा वो फार्मूला यही था जो मैं आपको शुरू से बताता रहा हूँ, a+n-1 × d, इस फार्मूले से हमने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इस तरीके से 4th क्वेश्चन तक हो गया, इसका एक पार्ट और बचा है 5th, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ सी स्टूडेंट्स, इट इज़ क्वेश्चन 3rd, 5th क्वेश्चन, 4 वी हैव डन, दिस 5th वन इज a, वी हैव टू फाइंड सेकेंड टर्म गिवन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म गिवन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑल्सो वी हैव टू फाइंड एंड फर्स्ट ऑल्सो वी हैव टू फाइंड। हमको कौन कौन सी टर्म निकालनी, फर्स्ट टर्म और थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकालनी। हमको दो टर्म्स दे रखी है, सेकेंड वाली और सिक्स वाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकेंड और सिक्स टर्म दे रखी है। तो पहले हम a2 लिखेंगे, वो 38 है, तो a+d = 38। इसी टाइप से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो सिक्स्थ टर्म हमको दे रखी है -22, तो हम इसको लिखेंगे a+5d = -22। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन नाम देते हैं, और सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेकंड टर्म इक्वेशन जो है a+5d है = -22, और फर्स्ट इक्वेशन है a+d
इज इक्वल टू 38। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। 5d माइनस डी मीन्स यहाँ पर 4d आएगा इज इक्वल टू, दोनों माइनस के हैं। अब जब दोनों माइनस के होते हैं तो ये ऐड हो जाते हैं और यहाँ माइनस का साइन आता है, तो 8 और 2 10, कैरी ऑन 1, 3 प्लस 3 6। सो डी इज इक्वल टू -60 अपॉन, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, डी इज इक्वल टू -60 अपॉन 4। तो 4 वन ज़ा 4 एंड 4 फाइव ज़ा 20, 2 बचा था, 4 फाइव ज़ा 20, तो डी की वैल्यू हमारी -15 आ गई। जब डी की वैल्यू आ गई तो अब हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ए हमको निकालना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1, अब हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करी तो ए -15 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 38। तो ए इज इक्वल टू 38 प्लस 15, तो 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू आएगी 8 प्लस 5 13, 4 प्लस 1 5 53। तो ए की वैल्यू 53 आ गई, मीन्स ये पहली टर्म हमारी 53 हो गई। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अब हमको जो कैलकुलेट करना है वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करना है। तो ए 3, तो ए प्लस 2d, ए प्लस 2d मीन्स ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या थी, ये यहाँ कैलकुलेट की थी -15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 53 माइनस 30 मीन्स 23, ये प्लस और माइनस का इंटू हुआ तो माइनस हो गया, 15 टू 30, तो 53 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो 23 आ जाएगा, मतलब थर्ड टर्म हमारी 23 हो जाएगी। इसी टाइप से हम फोर्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी ए प्लस 3d, तो यहाँ हम लिखेंगे 53 प्लस 3 इंटू -15, तो 53, ये फिर प्लस और माइनस का इंटू हुआ, फिर माइनस हो जाएगा, 15 3 ज़ा 45, 53 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 5 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ 4 में से 4 ये सब्ट्रैक्ट हो गए, मीन्स 5 3 8 8 आएगा यहाँ पर, ये जो टर्म रहेगी ये 8 होगी। इसके बाद में ए 5 कैलकुलेट करेंगे तो ए 5 होगा ए प्लस 4d, ए प्लस 4d मीन्स 53 प्लस 4 इंटू -15, तो 53 माइनस 60, तो 53 में से 60 माइनस करेंगे तो -7 आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे पे माइनस लगा हुआ है और एक जगह प्लस एक जगह माइनस होता है, तो बड़ी में से छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके छोटी बड़ी डिजिट का साइन लगा देते हैं, तो इसलिए -7 आया। अब आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं, 38 में से 53 माइनस करेंगे तो -15 आएगा, फिर 23 में से 38 माइनस करेंगे तो फिर -15 आएगा, 8 में से 23 माइनस करेंगे तो फिर -15 आएगा, -7 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स -7 -8 फिर भी -15 आएगा, और -22 में से -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -22 प्लस 7 तो फिर -15 आएगा, मतलब हमारे ये सारे आंसर्स सही हैं, ये हमने चेक कर लिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 और एंड सो ऑन इज 78, मतलब हमको यहाँ पर ये पूछा है कि AP की कौन सी टर्म की वैल्यू 78 होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि वो nth टर्म है जिसकी वैल्यू 78 है, मैंने क्या लिखा कि वो nth टर्म है जिसकी वैल्यू 78 है, मीन्स मुझे क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमसे क्या पूछा विच टर्म, मतलब हमको n की वैल्यू निकालनी, जब भी पूछा जाए कि विच टर्म तो हमको n की वैल्यू निकालनी होती है। a की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ a इज गिवन 3, द वैल्यू ऑफ d इज 8 माइनस 3, दैट इज 5, हमने a यहाँ से चेक किया, फर्स्ट
टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस मीन्स 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 5, सो ए इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू 5, डी की वैल्यू 5 हो गई। अब हमको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मीन्स a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे प्लस एन माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे, d की वैल्यू हम यहाँ 5 पुट करेंगे इज इक्वल टू 78 लिखेंगे। यहाँ पर हम 5 का इंटू करेंगे तो 5n माइनस 5 हो जाएगा ये, और ये 3 को उधर भेज देंगे तो 78 माइनस 3 तो 75 हो जाएगा, 5n इज इक्वल टू 75 प्लस 5 मीन्स 5n इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। जब 5n इज इक्वल टू 80 हो जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट होगा, n हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 80 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 6 = 30, तो n की वैल्यू 16 आ गई। मीन्स ये कौन सी टर्म है, 78 जो है ये हमारी 16th टर्म है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं therefore 78 is the 16th term of AP. जो है वो हमारी 16th टर्म होगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एक्सरसाइज 5.2 में। अब हम अपने अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5th डिस्कस करेंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल लास्ट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा, लाइक इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल।